जय माँ काल भैरवी माँ, दुष्ट विनाशक दंडकारिणी माँ के चरणों में रामा का सत सत नमन माँ। उठ रामा और इधर देख। नहीं देखूंगा, मैं देख ही नहीं पाऊंगा माँ, मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपका ताप सहन कर सकूं। कृपया अपने कोमल सौम्य स्वरूप ममता स्वरूप में दर्शन दे माँ, ताकि मैं आपके सम्मुख होने का साहस कर सकूँ माँ। माँ काली को इस राम कृष्ण का वंदन माँ। कल्याण हो। बोल रामा, तुझे क्या चाहिए? आपके दर्शन हो गए माँ, इस ब्राह्मण को भला और क्या चाहिए? परंतु क्षमा करे माँ, आशा नहीं थी कि इतने शीघ्र आपके दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। सुना था कि कई वर्षों की तपस्या के पश्चात आपके दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, परंतु मुझे तो ये तो तुम्हारा पिछले जन्मों से आवाहन चल रहा है। इस जन्म में तो तूने केवल उसके अंतिम अंश को पूरा किया है, तूने मुझे प्रसन्न किया है, मुझे तो आना ही था रामा। आना ही था तो इसी रूप में आती माँ, माँ काली के रौद्र रूप में आकर इस बालक की सांसें क्यों रोक दी? देखे कैसे भय के मारे मेरा पूरा शरीर सूखे पत्ते की भांति कांप रहा है। तुझे किस बात का भय रामा? मेरे उस रूप से तो वो भयभीत होते हैं जिनके हृदय में पाप हो। निश्चल और अबोध प्राणियों को मुझसे कैसा भय? फिर भी डर तो जाते हैं ना माँ, बच्चे हैं आपके। वैसे अभी तक मैंने आपको सिर्फ किस्सों प्रसंगों में सुना और मूर्तियों चित्रों में देखा था, परंतु आप तो अपने चित्रों से कहीं अधिक ममतामयी है माँ। क्षमा करे माँ, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है। यदि प्राणों का वरदान मिले तो क्या आपसे वो प्रश्न पूछने का दुस्साहस कर सकता हूँ? पूछो रामा, क्या पूछना चाहते हो? नहीं, क्या है कि आपका इतना विशाल इतना विराट रूप है, सामान्य लोगों को अगर जुकाम भी हो जाता है तो उन्हें एक नाक संभालनी भी भारी पड़ जाती है। आपके तो इतने मुख हैं, इतनी नाक है। हाँ, जब आपको सर्दी लग जाती है तब आप इतनी नाक कैसे संभालती हैं? अरे जय हो माँ की। माँ, संभवतः मैं इस सृष्टि का पहला सौभाग्यशाली प्राणी हूँ जो आपको साक्षात ऐसे हंसते हुए देख रहा है माँ। क्या उत्तर दूँ तेरे सबोध प्रश्न का रामा? ऐसा प्रश्न तो तेरे जैसा निष्कपट निष्पाप भक्त ही मुझसे पूछ सकता है, और मैंने तो उस विषय में कभी सोचा भी नहीं। इन दोनों कटोरियों में से एक उठा ले रामा, इन दोनों प्यालों में मेरा एक एक वरदान है। दाएं तरफ वाले प्याले में जो दही है उसमें ज्ञान का भंडार, और बाएं तरफ वाले प्याले में जो दूध है उसमें धन वैभव है। जो चाहे उठा ले रामा। रामा,
तूने? क्षमा करें माँ, क्षमा करें, परंतु आप ही सोचिए माँ, यदि मैं धन वैभव का प्याला पी लेता तो ज्ञान नहीं मिलता, और बिना ज्ञान के धन वैभव का क्या अर्थ? और यदि मैं ज्ञान वाला प्याला पी लेता तो ऐसा ज्ञान लेकर क्या करता मैं, जिसमें मैं दरिद्रता और भुखमरी से मर जाता। यदि मिले तो दोनों मिलने चाहिए माँ, अन्यथा दोनों निरर्थक है। तुम तो बड़े चालाक निकले रामा, और बुद्धिमान भी। तो ठीक है रामा, आज मैं तुझे धन और बुद्धि दोनों का वरदान देती हूँ। समस्त वेद पुराण उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ तू, जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे। आने वाले समय में तेनाली गांव तुझसे प्रसिद्धि पाएगा। जा रहा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। कल्याण हो, किंतु इतना स्मरण रखना, यदि फल चाहिए तो पहले उसके जड़ के बारे में सोचो। जड़ सींचोगे तो फल अपने आप ही मिल जाएगा। उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे। तेनाली गांव तुझसे प्रसिद्धि पाएगा। यदि फल चाहिए तो पहले उसके जड़ के बारे में सोचो। जड़ सींचोगे तो फल अपने आप ही मिल जाएगा। शारदा, आ रहा हूं मैं।
राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली, बाहुबली, विजयनगर साम्राज्य के गौरव, राज्य की शोभा, विजयनगर साम्राज्य के आत्मसम्मान, महाबली नरेश महाराज कृष्णदेव राय की जय। वीरों के वीर, काल विजयी, युद्ध विजयी, युद्ध कला पारंगत, राज का ताज, राज प्रजा की आवाज, महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज की जी जी तुम्हारा सुजियाज, महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए महाराज की। और क्या महाराज की जो होनी थी हो गई ना, आप आगे बढ़िए। आप महाराज की जी क्या महाराज की, महाराज की क्या तुम्हारा सुजिया, क्या महाराज की जी, महाराज की सेना के सेनापति महाराज युद्ध से वापस लौट आए हैं। अच्छा तो ये कहिए ना कि सेनापति आए, सेनापति को बुलाया जाए। सेनापति हाजिर हो। प्रणाम महाराज। सेनापति जी, आपका ये झुका हुआ चेहरा हमें बता रहा है कि आप युद्ध में फिर से एक बार हार कर लौटे हैं। हमें खेद है महाराज, हमारा भरोसा कीजिए, हमेशा की तरह हमने पूरा प्रयास किया, हमारी सेना पूरी शक्ति से लड़ी, परंतु इस बार भी विजय प्राप्त नहीं कर पाई महाराज। महाराज हमें समझ में नहीं आता कि बार बार हमारी सेना के साथ ऐसा क्यों होता है। बार बार हम बीदर पर आक्रमण करते हैं ताकि हम उस राज्य को जीतें और वहां के क्रूर शासक मोहम्मद शाह बहनुमी से वहां की प्रजा को छुटकारा दिलाएं, लेकिन हर बार महाराज, हर बार हमारी सेना हार कर लौटती है, पता नहीं क्यों। तो जैसा कि आपने हमें बताया, बिदार कृष्ण नदी के दूसरे तट पर स्थित है, नदी का बहाव बहुत तेज है और हमारी सेना नाव में, तख्तों में, जहाजों में सवार होकर वहां जाती है और हार कर उन्हीं नावों, तख्तों और जहाजों पर सवार होकर लौट आती है। जी महाराज। सेनापति जी, एक बार फिर से आक्रमण की तैयारियां कीजिए और इस बार जैसे ही हमारी सेना दूसरे तट पर पहुंच जाए तो वो सारे नाव, सारे तख्ते, सारे जहाज जिन पर सवार होकर हमारी हारी हुई सेना लौट कर आती है, वो सारे के सारे वहीं जला दिए जाएं। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा होगा तो हमारी सेना के पास जान बचाकर भागने का कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। विकल्प? विकल्प? यही तो वो कारण है जिसकी वजह से आप आज तक जंग जीत नहीं पाए हैं सेनापति जी। विकल्प, क्योंकि जब विकल्प होता है तो इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है, इसीलिए हमने विकल्प ही समाप्त कर दिया। अब जान बचाकर भागने का कोई विकल्प नहीं, जंग होगी लेकिन जीतने की नहीं, जान बचाने की होगी। अब मारो या मरो, इसके अतिरिक्त आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। जाइए और आक्रमण की तैयारियां कीजिए, हमारा विश्वास है कि इस बार हमारी सेना की जीत निश्चित है। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। उठा लो। अच्छा, अरे विवाह कर लिया है तो आप जिम्मेदारी पे उठा लो, सोचा है आगे क्या करना है? सब सोच लिया है। आगे विजयनगर जाना है और जाकर अपने राजा श्री कृष्णदेव राय से मिलना है, अब तो अपना बेड़ा वही पार लगाएंगे। विजयनगर? पर हमें वहाँ ले जाएगा कौन? अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो, महान गुरु तथाचार्य कब काम आएंगे। तथाचार्य? कृष्णदेव राय की न्याय प्रिय नरेश, महाराज कृष्णदेव राय की जय। जय
आचार्य तथाचार्य, आप तो तिनाली गांव गए थे ना? जी। अपनी गोष्ठी में सम्मिलित होने? हाँ। फिर ये घाव कैसे लगाए हैं आप आचार्य? हाँ। नहीं, हाँ हाँ महाराज, आप तो जानते हैं महाराज, जब हम प्रभु के ध्यान में होते हैं तब किसी और चीज का ख्याल नहीं रहता हमें, बस ऐसे प्रभु के जाप की स्तुति करते चले आ रहे थे, चले आ रहे थे, चले आ रहे थे, पता नहीं चला सामने गहरा गड्ढा आया, धाम से गड्ढे में गिर पड़े। अब गिर पड़े तो गिर पड़े, लेकिन फिर भी महाराज इतने गहरे गड्ढे में गिरने के पश्चात भी हमने प्रभु का जाप नहीं रुकने दिया। जाप हम करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। अद्भुत अद्भुत, विजयनगर साम्राज्य को गर्व है आप जैसा प्रभु भक्त हमें भला कहां मिलेगा। विजयनगर का सौभाग्य है कि आप जैसा धर्माधि। क्षमा। कि आप जैसा प्रभु भक्त, आप जैसा धर्माधिकारी इस दरबार की शोभा, आपकी जगह कौन ले सकता है आचार्य तथाचार्य। तैयार हो गई पालकी। देख मनी, क्रोध ना दिला मुझे, पालकी में बैठकर मैं ही जाऊंगा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अरे सुनो, पालकी तैयार हो गई? हाँ जी, हो गई तैयार। तो चले चले। कहाँ चले? विजयनगर और कहाँ? किस खुशी में? खुशी तो तुम्हारे गुरु तथाचार्य को होगी, मुझे अपने सम्मुख देखकर। क्यों, तुम्हारा नाम धन है? नहीं, हमारे गुरु तो अपने सामने धन देख के खुश होते। देखो भाई, मुझे कोई शौक तो है नहीं विजयनगर जाने का, वो तो तुम्हारे गुरु ने स्वयं मुझे सामने से निमंत्रण दिया था, इसलिए जाने की बात कर रहा था, अन्यथा मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है वहाँ जाने की। गुरु जी ने दिया था निमंत्रण? कब दिया था? भूल गए कब दिया था? याद करो। कब दिया था? फांसी देते हैं हम तुझे, हर दुस्साहस विजयनगर में प्रवेश करने का। देख कैसा स्वागत करता है ये तथाचार्य तुझ जैसी उदंड पंडित। याद आया। तो ये तो धमकी लग रही थी ना, निमंत्रण किस कोण से था? यही तो है महान तथाचार्य की महान बातें, सबकी समझ में आने लगे तो स्वयं तथाचार्य ना बन जाए। अब तुमने उनका आदेश नहीं माना, ये जानकर वो अधिक से अधिक क्या करेंगे? क्या करेंगे? रुष्ट होकर तुम्हें कोड़ों से पिटवाकर तुम्हारी ये नरम नरम खाल छिलवा देंगे, या फिर खोलते तेल में तुम्हें डलवाकर तुम्हारे गर्मा गर्म पकौड़े बनवा देंगे। पालकी तैयार है प्रभु, विराजिए। अरे नहीं, अब क्या जाना, अब मन नहीं है हमारा जाने का। अरे आप तो बुरा मान गए, पर बेवकूफ ना समझ मूर्ख की बातों का कोई बुरा मानता है क्या? नहीं आप बिराजी, हम लेके चलेंगे आपको विजयनगर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक पालकी और तैयार करनी पड़ेगी। वो किस लिए? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। कब पकड़ा जाएगा नगर कोतवाल, कब पकड़ा जाएगा? जब वो शातिर चोर हमारे और सज्जन लोगों को लूट लेगा तब, या फिर तब जब लोगों का कानून और विश्वास के मतलब कानून की व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाएगा तब। महाराज मैं बस बस कोतवाल, बहुत हुआ, हम अब और प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हमें वो चोर चाहिए। महाराज यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपके तो आपको आपके कोतवाल के पद से निष्कासित कर दिया जाएगा, आप जा सकते हैं। एक क्षण, धन्यवाद। क्या बात है आचार्य, सब ठीक तो है? अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको याद कर रहा है। नहीं महाराज, इसका उल्टा अर्थ भी हो सकता है। उल्टा अर्थ? जी महाराज, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा अनिष्ट होने वाला है, कोई बहुत बड़ी विपत्ति हम पर आने वाली है। पंडित रामा की, पंडित रामा की।
ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत बुरी घड़ी हमारी तरफ आने के लिए निकल पड़ी। पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित